महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही उठापटक जारी है। दोनों ही दल अपनी बात पर अड़े हुए हैं और इसी के चलते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 26 सितंबर का अपना मुंबई दौरा फिलहाल रद्द कर दिया है। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में सेना प्रमुख बिपिन रावत के हालिया बयान पर सवाल उठाए हैं। सेना प्रमुख ने चेन्नई में कहा था कि बालाकोट में एक बार फिर आतंकी कैंप सक्रिय हो गए हैं और कश्मीर में 500 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि ऐसी जानकारी जारी कर हमारे सेना प्रमुख ने क्या हासिल किया है। शिवसेना का मानना है कि सेना प्रमुख के बयान से सत्ताधारी बीजेपी को लाभ मिल सकता है। अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि कश्मीर में क्या चल रहा है इसकी जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन बालाकोट हमले की याद दिलाई जा रही है। शिवसेना ने साफ कहा कि सेना प्रमुख को ऐसे समय में राजनीतिक लाभ लेने वाले इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। चार दिन पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में सरकार से जनता उकता चुकी है और पुलवामा जैसी कोई घटना ही महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए हवा बदल सकती है। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव 2019 के पहले लोगों में मोदी सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा था, लेकिन पुलवामा हमले और उसके बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पूरी स्थिति बदल दी। यहाँ भी केवल पुलवामा हमले जैसी स्थिति ही लोगों की सोच को बदल सकती है। पवार के बयान के बाद ही सेना प्रमुख ने बालाकोट पर बयान दिया, जिसकी शिवसेना ने आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट।